गाइस ये देखिए, ये बहुत उदास है क्योंकि इसे जो है ना, हम लोग जब पोछा मारते हैं, घर साफ करते हैं, तो इस महाराज को हम लोग जो है बांध देते हैं। वो देखिए वहाँ पे लीफ है जिसमें इसे हम बांधते हैं, ये वाला। और यहाँ पे एक बॉटल था जो पापा मम्मी आए थे तो वो लेकर आए थे। उस बॉटल का क्या हाल किया है इसने। और अभी सिम्बा के बारे में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। क्या हो गया सिम्बा बेबी? अभी इसने जो अपना डीवॉर्मिंग टैबलेट खाया है तो उसे 1 घंटे तक कुछ नहीं मिल सकता। तो 1 घंटे से इसने कुछ खाया नहीं है। और आपको पता है क्या बेटा सिम्बा, क्या हो गया, क्या हो गया? मुंह देख लीजिए, कितना प्यारा मुंह है भाई साहब। ऐसे प्याले मुंह को कौन खाना नहीं देगा, है ना? तो अभी भी 25 मिनट और अभी जो सीजन चल रहा है फ्रेंड्स, सेट डाउन, सेट सेट सिम्बा, ओके। अभी जो सीज़न चल रहा है इसमें जो लार्ज ब्रीड हैं लाइक लैब्राडोर गोल्डन रिट्राइवर, जो भी लार्ज ब्रीड डॉग्स हैं वो बहुत शेडिंग करते हैं, इसलिए मैं नहीं बैठती हूँ। कि मैं अगर बैठूँगी तो मुझे वीडियो नहीं लेने देगा, बात नहीं करने देगा। ये देखिए कहाँ चल रहे हैं, कहाँ चले। और ये ऐसा प्ले करेगा, देख ले। तो आप भी बताइएगा कि आपके डॉग्स जो हैं उनको भी इस तरह से बॉटल से खेलना अच्छा लगता है, खाली बॉटल, कोल्ड ड्रिंक बॉटल, इन सब से। तो इसकी समस्या चल रही है, जिस वजह से हम इसको जो है बीच में बांधते हैं, क्योंकि जो है ना बहुत ज़्यादा शेडिंग के वजह से जो है इसके बाल हर जगह हो रहे हैं। तो सफाई जब करते हैं हम लोग तो उससे पहले इसको बांध देते हैं ताकि जो है और ना फैले। और उसके लिए मैंने एक बहुत सिंपल सा टिप शेयर करूँगी आपके साथ जो आगे वीडियो में आने वाला है। ये देखिए कैसे खेल रहा है ये छत पे, तो इसको बहुत मज़ा आता है छत पे खेलना। तो ये बहुत शेड कर रहा है, तो सिंबल से कंघी लेनी है आपको। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े जो है ग्रूमिंग सेट या किट खरीदें, और बस आपको जो है इसे कॉम करना है। जो एक्स्ट्रा सेडिंग है ये ऑटोमेटिक जो है यहाँ कर लेगा। ये देख रहे हो, चलो कम या कम छत पे ना, ये बिल्कुल शांति से रुको। ये देखिए कितने अच्छे से करा रहा है। और शेडिंग करने में हमें अपने पेट्स की मदद करनी चाहिए इस तरह से। आप दिन में 2 बार 4 बार जो है अगर चाहो तो उसे कॉम कर सकते हैं। बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह जब थक जाता है तो मेरे गोद में होता है। बहुत अभी दौड़ा है ना तो थक गया। तो फ्रेंड्स शेडिंग जो है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है डॉग्स में। ये प्रॉब्लम जो है सिम्बा फेस कर रहा है और हम सब बहुत परेशान हैं कि इसकी शेडिंग कैसे जो है वो ख़त्म की जाए। डेली जो है हम अपना घर जो है दिन में 2 बार एटलीस्ट जो है हम साफ ज़रूर करते हैं, क्योंकि हमारे घर में छोटा बच्चा भी है, आदत भी है, उसके खाने में कपड़े में जो है ना जाए, ये कोशिश ये होती है। पर ये भी बच्चा है, इसकी भी कोई गलती नहीं है इसमें। तो अगर आप घर पे डॉग ला रहे हो तो ये सारी असुविधाएँ तो आपको झेलनी पड़ेगी, और इसमें इनकी कोई गलती नहीं होती है। तो आपको वीडियोज़ जितने मिलेंगे ना यूट्यूब पर, उस वीडियोस में सारे लोगों ने आपको जो है बताया होगा कि शेडिंग करने के लिए आप बड़े बड़े ग्रूमिंग किट्स खरीद लें, और पता नहीं कौन कौन से ब्रश बता रखे हैं वो खरीद लें, मसाजेस खरीद लें। कोई ज़रूरी नहीं है। सिम्बा का 1.5 साल का एज है, अभी सिम्बा 1.5 साल का हुआ भी नहीं है, और इस बीच में 3 सीज़न गए हैं, और जो है सिम्बा ने शेडिंग की है। सिम्बा बीमार भी पड़ा है, मैंने वो भी शेयर किया था। तो एक रीज़न तो होता है फूड हैबिट। अब ये इंडिया है राइट, तो सच में ये बोलूँगी कि हम जब डॉग्स पालते हैं तो उसे बच्चे की तरह पालते हैं, और वो प्यार प्यार में हम कभी उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें दे देते हैं जो उनके लिए नहीं होता है। लाइक कई बार हम जो है कुछ मीठा दे देते हैं, लाइक गुलाब जामुन घर में आ गया तो दे दिया, या किसी का बर्थडे है थोड़ा सा केक दे दिया, तो उससे हम अपने आप को रोक नहीं सकते राइट, क्योंकि ये जो प्यारा सा है बेबी, ये बेबी है मम्मा का,
ये मम्मा का बेबी है, इसको मम्मा बहुत प्यार करती है, करती है ना मेरे तो शिमा भी करता है प्यार। तो ये देखिए कैसे बच्चे की तरह लेटा हुआ है, तो फूड हैबिट तो आप जैसे आप ठीक है, प्यार है तो प्यार आप कम नहीं कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं, कम करना है, इसे कम से कम करना है। नॉनवेज भी बहुत सारे लोग जो हैं शायद ऐसा करते होंगे जिन्हें नहीं पता है, जैसा उन्होंने अपने लिए घर में बनाया है वही दे देते हैं। तो नमक इन्हें डायरेक्ट नहीं देना है, हमें कच्चा नमक नहीं खाते हैं, या वाइट सॉल्ट इन्हें नहीं देना होता है, मैं भी नहीं करती हूँ। आप हल्का सा जो है मस्टर्ड ऑयल और टर्मरिक देकर उसे बॉइल कर दें, एंड दैट इज़ एनफ। टर्मरिक जो है वैसे भी अच्छा होता है बॉडी के लिए, और उससे प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा, शेडिंग जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई भी डॉक्टर कोई भी आपको जो है वेट ये बोल दे कि शेडिंग आप हमेशा के लिए रोक सकते हैं, फिर कभी नहीं होगा, तो ये जो है फिर झूठ है। ये प्रोसेस है जिससे हर पेट पेरेंट्स को साल में एटलीस्ट 2 बार जो झेलना ही होता है। तो उसके लिए आप पेट की ग्रूमिंग के लिए मैं बस यही बोलूँगी, इसके सप्लीमेंट में हम ध्यान देते हैं, हमारे पास आपको दिखाऊँगी अभी कौन कौन सी चीज़ें हैं। लाइक हम इसे ओमेगा 3 ओमेगा 6 देना नहीं भूलते हैं, हर मंथ 15 डेज का जो है हम इसे इसका लीवर टॉनिक ज़रूर देते हैं, क्योंकि लीवर टॉनिक इसलिए देते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम अपने हिसाब से खिलाते हैं। लाइक इसे जो है बॉइल्ड वेजिटेबल से ज़्यादा अच्छा रॉ वेजिटेबल लगता है। आई डोंट नो, मैं एक वेट नहीं हूँ, बट मेरे बच्चे को अच्छा लगता है तो मैं देती हूँ, सिर्फ कच्चा आलू नहीं देती मैं, उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है इसलिए कच्चा आलू नहीं देती हूँ। लेकिन हाँ, इसे भिंडी पसंद है, इसे जो है तोरी पसंद है, और इसे जो बीन्स होते हैं वो पसंद है कच्चे, तो ये खाता है। मटर इसे कच्चा पसंद है, टमाटर पसंद है वो ये खाता है, खीरा पसंद है इसे वो खाता है, और फ्रूट्स तो इसे सारे ही पसंद हैं। तो ये चीज़ें, ये दोनों चीज़ें करते हैं, और हर 3 महीने पे इसकी डीवॉर्मिंग टैबलेट्स आती है। तो अभी सिम्बा के जैसे ही बाल झड़ना स्टार्ट हो गए थे, तो हम लोगों ने जो है इसे डीवॉर्मिंग टैबलेट देना स्टार्ट कर दिया है, जो 3 दिन तक लगातार चलता है, 2 टैबलेट 3 दिन। आप अपने वेट से देख लेना, क्योंकि हमने जहाँ से इसे लाया है, जहाँ इसे दिखाते हैं सुई वगैरह के लिए, हाँ बेटा यहीं पर, तो वहाँ ही हम उन्होंने ही हमें सजेस्ट किया था। और आपके पेट को प्रॉब्लम है, डीवॉर्मिंग की नीड है, इसका जो साइन है आपको मिलेगा, आपके पेट के मुंह से स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगा, आँखों के किनारे जो वाटरी लाइन से वो फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाएंगी, दैट मीन्स की डीवॉर्मिंग इज रिक्वायर्ड। अगर आप भूल गए हो तो तुरंत कर लो, ये चीज़ें तो करनी होंगी। कहते हैं कि बस बोलने से नहीं होता है कि बच्चे की तरह पालना है, बच्चे की तरह पालना है, यू हैव टू डू इट। तो हम भी परेशान हैं, हम भी बहुत परेशान होते हैं इसके शेडिंग से, लेकिन हम इसे इसमें इसकी कोई गलती नहीं है ये भी हम समझते हैं। तो मैं बस इस तरह का एक फॉर्म लेती हूँ, और इसको दिन में 3 बार जो है एटलीस्ट 2 बार तो कम से कम ऑफिस रखती हूँ, 2 बार, और छुट्टियों में रहती हूँ तो 3 बार ज़रूर इसको करती हूँ, और कुछ नहीं, सिंपल हाथ से इसको जो है आप इस तरह से इसको मसाज करें, ये मसाज ज़रूरी है, कोई आपको ग्लव्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से मसाज करें। नेचुरल ऑयल होता है अगर आपके पास, तो जैसे प्योर वर्जिन कोकोनट ऑयल है अगर, तो आप इसको ये लगा सकते हैं अगर ड्राई हो गया है तो। तो ये थी सिम्बा की कहानी, और सिम्बा के जो है टैबलेट खाए हुए 1 घंटे हो चुके हैं, उसका ब्रेकफास्ट टाइम है, क्योंकि आप सबको पता है कि इसको बिल्कुल भूखा रहना पसंद नहीं है। हाँ, दे रही हूँ, भूख लग गया, कैसे कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग की शुरुआत होती है ऐसे, और बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज संडे है, तो मैं आपके संग अपना ब्लॉग्स जो है शेयर करती हूँ, एंड सिम्बा के बारे में बस यही बोलूँगी। आपके पेट्स के संग भी अगर डी शेडिंग की प्रॉब्लम है, ऐसे शेड करते हैं मैं आपके भी पेट्स, तो 10 दिन आप ये करें, दिन में 3 बार उसको फॉर्म करें अच्छे से, उसको साफ रखें, उसकी डी वॉर्मिंग करवाएं, टैबलेट्स दें, और ये तो तय है आपको लीवर टॉनिक एक रखना ही होगा, ओमेगा 3 एंड 6 आपको देना ही होगा। उसके अलावा वी डोंट गिव डॉग फूड्स टू आवर डॉग। सिम्बा को हम लोग वो पहले हमने दिया था स्टार्टिंग में रूल्स के जो आते थे, और भी कौन कौन से ब्रांड आते हैं डोंट नो, तो
तो उसका दिया था हमने फूड, लेकिन उसके बाद जो है सिम्बा जो है अब हमारे साथ जो है नेचुरल डाइट पे है। लाइक इसे दही रोटी बहुत पसंद है, इसको दही चावल बहुत पसंद है, तो चावल और उबली हुई सब्जी बहुत पसंद है। इसे हम लोग खिचड़ी भी देते हैं कई बार दही के साथ, ढेर सारी दही के साथ। ठीक है, चिकन इसको बहुत पसंद है, इसको एग पसंद है, तो इसको ये सब चीज़ देते हैं। तो वी डोंट इन्वेस्ट मार्जिन फॉर डॉग फूड्स की हम ये फूड खिला रहे हैं, हेयर कोट के लिए वो फूड खिला रहे हैं। सबसे बेस्ट दही होता है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। आपका बच्चा जो भी खाता है आप उसके साथ दही मिक्स कर दे, बस नमक और चीनी आपको अवॉइड करना है इनके टाइम। और स्पाइसी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डॉग्स हैं, वो ये नहीं प्रिजर्व कर सकते, तो इनकी हैबिट को समझना होगा। तो ये थी हमारी परेशानी, हम दोनों की परेशानी हाँ दोनों की परेशानी है ना। ओले बाबा ले, इसको देखो जो भी तपियाला है, अच्छे बच्चे को कौन प्यार निकलेगा। तो आई रियली लव सिम्बा लॉट और हम सब बहुत से प्यार करते हैं। तो ये थी हमारी परेशानी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि अगर आप भी ये परेशानी फेस कर रहे हैं, और शेयर करें कि आप लोग और क्या करते हैं, ताकि मुझे भी जो है एक आइडिया मिले कि मैं और क्या कर सकती हूँ उनकी शेडिंग रोकने के लिए। तो इस वजह से सिम्बा को कभी कभी हम लोग बांध देते हैं तो इसका मुँह बना हुआ रहता है, जैसे आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा है इसका मुँह बना हुआ था, क्योंकि इसे बंधे रहना बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि हम लोग कभी रखते ही नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा आज का इन्फॉर्मेशन, आज का ये भी पहला वीडियो जो अच्छा लगा होगा संडे का, तो फटाफट मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के संग करें, मेरी वीडियो को शेयर, बेल बटन दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर, स्टे हेल्दी बी हैप्पी, बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।